रौनकपुर थाना क्षेत्र के ललकीदा अमर बंसानी में एक महिला लीलावती देवी का जला हुआ शव बरामद हुआ था। अनुसंधान के क्रम में ये बातें प्रकाश में आई कि मृतिका के भसुर बुद्धन भुइया नाम है, तारा देवी के सहयोग से मृतका के शव को अपने घर से थोड़ी दूर ले जाकर के धान के खेत में फेंक दिया गया था। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के खेत से बरामद महिला के शव मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश। नगर उटारी अनुमंडल पुलिस अधिकारी के कार्यालय में एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गत 4 सितंबर को भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बनसानी गांव स्थित खेत में मिले महिला के शव के मामले का खुलासा कर दिया है। उक्त घटना भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बनसानी पंचायत के ललकी दावट टोला में 4 सितंबर को एक खेत में मिले महिला के शव के मामले में भवनाथपुर पुलिस ने खुलासा किया है। एसडीपीओ ने बताया कि मृतक महिला की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी मृतिका के भसुर बुधन भुइया और उसकी पत्नी तारा देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि महिला की पहचान राजेंद्र भुइया की पत्नी लीलावती देवी के रूप में की गई थी। महिला की हत्या की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्वरित अनुसंधान के लिए एक टीम गठित किया गया। गठित टीम जब मृतका के घर पहुंचकर पूछताछ किया तो मृतका के भसुर बुधन भुइया ने महिला लीलावती देवी की हत्या करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि बुधन भुइया और उसकी पत्नी तारा देवी ने लीलावती देवी को पूर्व में लेन देन के मामले पर गर्म पानी शरीर पर डालकर गला दबाकर बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया था। प्रेस वार्ता में भवनाथपुर पुलिस इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार, अनुसंधानकर्ता दिनेश कुमार, प्रदीप उराव सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे। दिनांक 4/9/2024 को भवनाथपुर थाना क्षेत्र के ललकीदा अमर बंसानी में एक महिला लीलावती देवी का जला हुआ शव बरामद हुआ था। इस संदर्भ में भवनाथपुर थाना कांड संख्या 148/2024 दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में ये बातें प्रकाश में आई कि मृतिका के भसुर बुद्धन भुइया के द्वारा अपने घर में शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था एवं पूर्व से इनके साथ में पैसा के लेन देन का विवाद था, जिसके कारण गर्म खोलता हुआ पानी इनके शरीर पर उड़ेल दिया गया था और इनकी गला दबा करके हत्या कर दी गई तथा अपनी पत्नी के सहयोग से, इनकी पत्नी का नाम है तारा देवी, के सहयोग से मृतका के शव को अपने घर से थोड़ी दूर ले जा करके धान के खेत में फेंक दिया गया था, जिसमें बुधन भुइया और उनकी पत्नी दोनों तारा देवी को पूछताछ के लिए लाया गया था। दोनों ने इस घटना में अपने संलिप्तता स्वीकार की। तत्पश्चात इन्हें गिरफ्तार करने आई हिरासत में भेजा जा रहा है, उनके घर से भी गिरफ्तार किया।